उस बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सिंचाई विभाग के परिसर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सिंचाई विभाग के परिसर में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में किया था कब्जा, खाली जमीन पर कर्मचारियों ने बना लिया था आवास और भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और पुलिस बल की मौजूदगी में ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। हजरतगंज के बालू अड्डे में है सिंचाई विभाग का आवासीय परिसर। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सिंचाई विभाग के आवास में बुलडोजर चला है, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि सिंचाई विभाग के परिसर में हुई है अतिक्रमण की कार्रवाई, कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में किया था कब्जा, खाली जमीन पर कर्मचारियों ने बना लिया था आवास, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला है, अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें स्क्रीन पर है, देख सकते हैं इस प्रकार से प्रशासन का यह बुलडोजर चला है और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके आवास बनाया था और उस पर ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश जी, सिंचाई विभाग के जो आवास पर बुलडोजर चला है, क्या कुछ मसला है? अविनाश जी, अविनाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लंबे समय से जो कर्मचारी थे वो वहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर घर बनाए हुए हैं, इन पर आज बाबा का बुलडोजर चला है जी। और साथ ही वहां से तमाम जो अतिक्रमण खड़ा हुआ था उसे हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, साथ ही सिंचाई विभाग के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उनको कई महीनों पहले नोटिस दी गई थी कि आप इस वहां पर खाली करिए, लेकिन जिसके बाद नहीं खाली गए, आज उन पर बुलडोजर चला है। तमाम ऐसे दर्जनों से अधिक जो घर थे आज उन पर बुलडोजर चला है, वहां से अतिक्रमण को हटाया गया था। इससे पहले भी उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग जब तक यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन अविनाश जी, कितने आवासों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और कब से इन्होंने अतिक्रमण करके रखा था? अविनाश जी, बिल्कुल, देखिए ये बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से जो अधिकारी है, जो कर्मचारी वहाँ पर रह रहे थे, उन पर आज बाबा का बुलडोजर चला है और वहाँ से उनको हटाया गया है। मौके पर जो है पुलिस बल वहाँ पर तैनात थी। आपको बता दें पूरा मामला हजरतगंज के बालू अड्डे इलाके का है, जहाँ पर कुछ दिन पहले भी देखा था तमाम अवैध तरीके की जो बिल्डिंगे थी वहाँ पर, उन पर बुलडोजर चला था। आज वही सिंचाई विभाग के जो आवासीय परिसर है वहाँ पर काफी लंबे समय से जो कर्मचारी थे घर बनाकर अवैध तरीके से रह रहे थे, आज उन पर बुलडोजर चलाया, वहाँ से पूरी तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई तो प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये लखनऊ चल रही है, जहाँ पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के आवास पर सरकारी बुलडोजर चला है, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि सिंचाई विभाग जो कर्मचारी थे उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया था और उस पर आवास बना लिया था। बता दें कि खाली जमीन पर कर्मचारियों ने आवास बनाया था और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर चला है। हजरतगंज के बालू अड्डे में है सिंचाई विभाग का आवासीय परिसर।